अमनो अमान सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है, जो मदद चाहिए वफाकी हुकूमत देने के लिए तैयार है। वजीर दाखिला शेख रशीद की वजीर आला सिंध को पेशकश। वजीर आला सिंध की जल्द कच्चे के इलाके में डाकुओं का सफाया करने की यकीन दहानी। कहा, आप वजीर दाखिला हैं, जब भी चाहें आ जाएं, हम मिलकर काम करेंगे। कुछ हसास साजो सामान के लिए वजारत दाखिला मदद करे। शेख रशीद ने डाकुओं के खिलाफ दहशतगर्दी के केसेस दर्ज कराने का कह दिया। साबित हो गया पीपल्स पार्टी का बयानिया दुरुस्त था। हमने कभी इस्तीफे नहीं दिए, कभी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। राजा परवेज अशरफ कहते हैं, यूसुफ रजा गिलानी ने कोई गैर कानूनी अमल नहीं किया, तो वो सेनेट में कायदे इख्तलाफ के अहदे से पीछे क्यों हटें। पीडीएम की तश्कील पीपल्स पार्टी की वजह से हुई, पीडीएम में वापसी के लिए हमने कोई दरख्वास्त दी ही नहीं। हमारा मौकफ यह है कि माजरत उनको करनी चाहिए। भाई कहाँ हमने कोई दरख्वास्त दी है कि हमें वापस लेकर आए। आज तो ये साबित हो रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बयानिया जो था वो सही था, वो जीत रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मुल्क को सरसब्ज़ और शादाब करने के मिशन पर हरिपुर में 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, कोशिश है आने वाली नस्लों के लिए आलूदगी से पाक हरा भरा पाकिस्तान छोड़कर जाएंगे। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, जो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एजाज है। ये एक्नॉलेजमेंट है कि पाकिस्तान वो चंद मुल्कों में से है जो बड़ी सीरियसली कोशिश कर रहा है अपने मुल्क में ये जो ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट है, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट है, वो दूर करने के लिए। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 75 मरीज जान से गए। मजमुई अमवात 20,540 हो गई। 2,726 नए केसेस रिपोर्ट। 19 साल वालों की भी रजिस्ट्रेशन आज से शुरू होगी। अडियाला जेल में वैक्सीनेशन मुहिम तेज। 600 कैदियों, हवालातियों और स्टाफ को वैक्सीन लगा दी गई। और क्वेटा के निजी स्कूल्स ने एनसीओसी के अहकामात हवा में उड़ा दिए। पाबंदी के बावजूद स्कूल्स खुल गए। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहबानी की शहर में खुले स्कूल्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की धमकी। स्कूल मालिकान भी डट गए। हमारा स्कूल खुला है या गिरफ्तार करना चाहते हैं या फांसी की कौन से तख्ते पे लटकाना चाहते हैं, लटका दे, लेकिन हम अपना तालीमी सिलसिला, ये हमारे लिए एक एजाज होगा कि हम एक तालीमी मिशन और विजन के तहत गिरफ्तार हुए।